आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ सर्किट ब्रेकर का सिलेक्शन किस तरह से किया जाता है विथ कॉन्सेप्ट के साथ। तो गाइस वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जब आप किसी पैनल पे काम कर रहे हो या फिर किसी फीडर्स पे काम कर रहे हो, एमसीसी पे काम कर रहे हो, आप देखे होगे एक रेटेड एम्पियर का जो है सर्किट ब्रेकर लगाया जाता है। तो सर्किट ब्रेकर के सिलेक्शन के पूरे प्रोसीड्यूर जो है आज मैं आपसे बताने वाला हूँ। तो गाइस प्लीज़ वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले जो भी मेरे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड वीडियोज़ है उसकी अपडेट बहुत आसानी से पहुँच जाए। तो चलिए गाइस बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको सर्किट ब्रेकर के बारे में कुछ बता देता हूँ। दो तीन पॉइंट है जो कि अगर आप इसको ध्यान में रखेंगे तो मैं जो आगे आपको बताऊँगा किस तरह से सलूशन किया जाता है बहुत काम में आएगी। तो सबसे पहले देखिए, ये सर्किट ब्रेकर एक फीडर में लग सकता है, दूसरा किसी एक पैनल्स में लग सकते हैं, ड्राइव्स में लग सकता है, हमारे एमसीसी पैनल्स में लग सकता है या फिर पीसीसी पैनल्स में लग सकता है। सर्किट ब्रेकर हमें जो है दो तरह का प्रोटेक्शन देती है, एक शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन और दूसरा ओवरलोड प्रोटेक्शन। लेकिन जैसे जैसे सर्किट ब्रेकर का एम्प्स बढ़ता जाएगा, यानी कि करंट के हिसाब से उसका साइज बढ़ता जाएगा, उस हिसाब से उसका जो है पूरा प्रोटेक्शन भी धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। यानी कि मैं अगर एमसीसी पैनल्स में जो सर्किट ब्रेकर्स लगे होते हैं, एयर सर्किट ब्रेकर, उसमें जो है आपको डिफरेंट तरह का सेटिंग्स देखने को मिलता है। सबसे पहले इंस्टेंटेनियस करंट, ग्राउंड फॉल्ट कितना रखना है, शॉर्ट सर्किट में कितना रखना है, इस तरह से आपको तीन चार जो सेटिंग्स देखने को मिलते हैं। तो गाइस देखिए, जनरली ये जो सिलेक्शन करने का प्रोसीड्यूर है अब मैं आपको बताता हूँ। सर्किट ब्रेकर का सिलेक्शन करने का प्रोसीड्यूर बस इतना है कि आप जिस पर्पज़ के लिए उस सर्किट ब्रेकर को लगा रहे हो, सपोज़ मान लीजिए कि आप एक पीसीसी पैनल्स में सर्किट ब्रेकर लगा रहे हैं, तो पीसीसी पैनल से आप जो है सप्लाई दे रहे हैं एमसीसी पैनल्स में, तो ये पता होना चाहिए कि मेरा लोड कितना है, या लोड के हिसाब से करंट निकाला जाता है और उसी करंट के बेस में जो है ये सर्किट ब्रेकर का सिलेक्शन किया जाता है। अब गाइस आपके पास अगर फुल लोड करंट आ गया है, वो किसी एक मोटर के लिए हो सकता है, किसी एक ड्राइव के लिए हो सकता है, तो उस फुल लोड करंट का 5 to 6 टाइम्स जो है सर्किट ब्रेकर का सिलेक्शन करना है। जैसे कि मैं अगर एग्जांपल आपको बताऊं तो जैसे कि 5.5 किलोवाट का एक मोटर है जिसका फुल लोड करंट होता है 10.5, ये 10.5 का 5 टाइम्स लूंगा तो ये जो है 55 के अराउंड में आता है। हमें जो है उस जगह में 63 एम्स का सर्किट ब्रेकर लगाना है। वो सर्किट ब्रेकर एक SFU, MCB, MPCB हो सकता है। ये 5 टाइम्स मतलब ज़्यादा करंट वाला हम लोग सर्किट ब्रेकर क्यों लगा रहे हैं? तो सर्किट ब्रेकर जो है हमें दो तरह का प्रोटेक्शन देता है, मैंने बताया, पहला जो है शॉर्ट सर्किट, दूसरा ओवरलोड। तो हमारा जो इनकमर जहाँ से आया है, मान लीजिए कि आप 5.5 किलोवाट मोटर के लिए जो 63 एम्स का SFU लगा के रखे हैं, वो 63 एम्स का जो SFU है वो तो किसी MCC पैनल से आया होगा, और वो MCC पैनल्स का सप्लाई जो है किसी PCC पैनल से आया होगा। तो MCC पैनल्स के सर्किट ब्रेकर में अगर किसी भी तरह का शॉर्ट सर्किट होता है तो हाई अमाउंट ऑफ करंट जो है फ्लो होता है अराउंड 4 to 5 टाइम्स। अगर हमारे सर्किट ब्रेकर के थ्रू पास होता है तो हमारा सर्किट ब्रेकर ट्रिप होगा, वरना हमारा सर्किट ब्रेकर बिल्कुल सेफ रहेगा। और वो सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो जाता है तो हमारे सर्किट ब्रेकर के बाद में जो भी इलेक्ट्रिकल के इक्विपमेंट लगे हुए हैं, जैसे कि कॉन्टेक्टर, रिले, ये सब बिल्कुल सेफ रहता है। इसलिए गाइस हम लोग जो है ये सर्किट ब्रेकर का जो साइज होता है वो अराउंड जो है 5 to 6 टाइम्स जो है ज़्यादा लिया जाता है लोड करंट से। तो गाइस मैंने आपको बताया कि आखिर किस तरह से सर्किट ब्रेकर का सिलेक्शन किया जाता है पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। तो गाइज़ अगर आपको मेरे बताने का टेक्निक पसंद आ रहा है, और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ गाइज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए।